हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। कुछ समय से हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहां हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 20 पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम सेक्शन डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 है जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है, ये बात करता है किसके बारे में, कंपनसेशन रिलीफ के बारे में। तो हम अगर देखें तो पार्टीज के पास एक ऑप्शन तो होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, और भी जो आप रिलीफ मांगते हैं, इंजंक्शन होती है परफॉर्मेंस के साथ, या मान लीजिए उसको आप रेसेशन करवा रहे हैं या उसको कैंसिलेशन करा रहे हैं, साथ साथ आप क्या क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो हम इसको प्रोविजन को देखते हैं। इसका जो सबसेक्शन 1 है ये बात करता है, इन अ सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिव मे ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच एंड एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या लगाया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट लगाया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्यों लगाया, क्योंकि आपका और डिफेंडेंट के बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसको बात हुई थी परफॉर्मेंस करने की, लेकिन क्या करता है जो डिफेंडेंट है वो ब्रीच करता है, तो आप क्या लाते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ। अब इसके साथ में क्या है, आपको जो हानि हुई है उसके लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे इसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो इन एडिशन टू मतलब उसके साथ साथ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ आप क्या क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन। ठीक है, तो ये जो सबसेक्शन वन ये बात करता है। ठीक है, 2018 के पहले जो अमेंडमेंट के पहले क्या था, एडिशन के साथ सब्स्टिट्यूशन भी था। ठीक है, तो ये भी उसमें ऐड था, लेकिन ये हटा के सिर्फ एडिशन बचा है 2018 के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 देखते हैं, ये बात करता है, एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड। कोर्ट को किसी भी स्टेज पर जब वो सुनवाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट लगा है उस पर सुनवाई कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बट दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, लेकिन पार्टीज के बीच में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, जिसको किसने ब्रीच किया है, ब्रोक किसने किया है, उसको तोड़ा किसने है, डिफेंडेंट ने। ठीक है, तो उसके लिए सूट कौन लाया था, प्लेंटिफ लेके आया था। तो विच हैज ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट एंड दैट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर दैट ब्रीच शैल अवार्ड हिम सच कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। देखिए, सबसेक्शन 1 था, यहां आप क्या है, परफॉर्मेंस के साथ साथ एडिशन में मांग रहा है, लेकिन ये जो सबसेक्शन 2 है ये बात करता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट था किसके बीच में, प्लेंटिव और डिफेंडेंट के बीच में, और जिसको ब्रीच कौन ने किया है, जिसको ब्रोकन किसने किया है, डिफेंडेंट ने, तो कोर्ट उसमें क्या कर सकती है, कंपनसेशन दिलवा सकती है किसको, प्लेंटिव को। तो ये बात करता है सबसेक्शन 2। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जो है वो बात करता है, इफ एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड दैट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट टू बी ग्रांटेड। देख ली, पहले हम इसको हम बता दें कि ये टाइप से क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर कोर्ट को लगता है तो दिलवाएगा और नहीं लगता तो नहीं दिलवाएगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की उनने कहा कि हम डिक्री करवा दे रहे हैं हम, लेकिन उनको ये लगता है कि मतलब प्रॉपर जस्टिस के लिए ये मतलब कम है कि उसको सिर्फ खाली वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ मिल रही, उसको एक कंपनसेशन भी ग्रांट किया जाना चाहिए। तो बट दैट इट इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द जस्टिस ऑफ द केस। ठीक है, तो ये बात क्या करता है कि नॉट सेटिस्फाई द जस्टिस ऑफ द केस, तो दैट सम कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑल्सो बी मेड टू द प्लेंटिव। तो उसको कुछ कंपनसेशन भी दिया जाना चाहिए किसको, प्लेंटिव में, प्लेंटिव को, तो क्या अवार्ड कर दिया जाएगा, उसको कंपनसेशन अवार्ड कर दिया जाएगा। तो ये बात करता है सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 बात करें तो ये बात करता है, डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवार्डेड अंडर सेक्शन द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, जब हम क्या होते हैं, आपको एक जो जनरल रिलीफ के लिए आप ब्रीच के लिए कहाँ क्लेम कर सकते हैं, 73 में, तो ये एक एडिशनल आपको एक क्या दी गई है, एक आपको एक रिलीफ प्रोवाइड की गई है कि आपका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चल रहा है उसके साथ साथ आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक रिलीफ है। ऐसे ही एक प्रोविजन जो दिया है, जो जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 73 में दिया है, जहां पे क्या है, वो एक जनरल प्रिंसिपल बात करता है
कि अगर पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसको डैमेज करते हैं, तो या तो फिर जो कोर्ट को रीजनेबल लगता है तो वो, या फिर जो पार्टीज के बीच में था कि एज अ पेनाल्टी भरा जाएगा अगर ब्रीच करते हैं तो वो किसको, अगर जिस पार्टी ने ब्रीच किया तो उसको वो देना पड़ेगा एज अ कंपनसेटरी। लेकिन जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज होते हैं उस पर नहीं दिया जाएगा। तो उसमें क्या एक जनरल प्रिंसिपल्स बताएं कि किन किन मेथड से कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, तो वही गाइडेड, उसी प्रिंसिपल को गाइडेड करके कोर्ट क्या करेगी, इसमें डिसाइड करेगी सेक्शन 21 में कि कंपनसेशन दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेक्शन सबसेक्शन 5 है, ये देखते हैं, नो कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिव हैज क्लेम सच कंपनसेशन इज प्लेन। तो ये कोर्ट में ये चलता है सिविल केसेस में, जो आप मांगोगे तो ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या स्पेसिफाइड, जो आपका जब आप फ्रेमिंग ऑफ प्लेंट कर रहे हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तभी आपको क्या रिलीफ कॉलम में कंपनसेशन के लिए आपको अपना क्लॉज डालना होगा। ठीक है, तभी कोर्ट उसमें देगा। अब देखिए इसका प्रोविजो बात करता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिव हैज नॉट क्लेम एनी सच कंपनसेशन इन द प्लेन। मान लीजिए वो भूल गया, उस स्टेज पे नहीं कर पाया कि उसको ध्यान नहीं रहा जब वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा था कि वो कंपनसेशन भी क्लेम करे। द कोर्ट सेल एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, कोर्ट कोई भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकती है कि वो अपना प्लेंट अमेंड कर ले, मतलब उसमें अपना संशोधन करके, अमेंडमेंट करके वो जो वो रिलीफ क्लॉज है उसमें क्या कर सकता है, कंपनसेशन के लिए भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो अब ये आपको बता देते हैं कि अगर आपको क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट करने के लिए कौन से उसमें जाएंगे आप, तो ऑर्डर 6 रूल 17। तो ये जो है किसका, सीपीसी का है, सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 6 रूल 17 में दिया गया है अमेंडमेंट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो आप क्या है अपने कोई भी स्टेज पे कोर्ट क्या है अलाउ कर सकती है, तो आप अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं प्लेंट में। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन द सर्कमस्टेंसेस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनकैपेबल और ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिडिक्शन कन्फर्ड बाय दिस। मान लीजिए ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होती हैं जहां कोर्ट नहीं दे पा रही है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा पा रही है, लेकिन उसके पास ये पावर है कि वो अलग से क्या दे सकती है, इस सेक्शन के थ्रू कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 21। आई होप आपको ये सारे जो सबसेक्शन जो इसके अंदर की बात थी वो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।